लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने दिल्ली से 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का इंतजार था। ऐलान के बाद साफ हो गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली पर मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि पार्टी ने बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। चांदनी चौक लोकसभा सीट से जेपी अग्रवाल को पार्टी ने टिकट दिया, उनकी टक्कर बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल से है। कांग्रेस ने अपने कोटे की तीसरी सीट यानी उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया, उदित राज की टक्कर बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया से। तो दिलचस्प ये लड़ाई, मुकाबला दमदार दिख रहा है। सबसे ज्यादा नजर मनोज तिवारी पर होगी, जिनके खिलाफ कन्हैया कुमार मैदान में होंगे। हालांकि बीजेपी इसको टुकड़े टुकड़े गैंग की शुरुआत ही कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच ही दंगल जबरदस्त है। अब बांसुरी स्वराज बीजेपी के, उनके सामने सोमनाथ भारतीय आम आदमी पार्टी के, तो दिल्ली का दंगल भी दिलचस्प है। कांग्रेस ने अब अपने कैंडिडेट उतारे हैं जिसमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है, उनकी टक्कर योगेंद्र चंदौलिया से है। वहीं अगर हम देखें तो बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल से टक्कर जेपी अग्रवाल की। मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। एक तरफ आपका तोड़ जोड़ करके बनाया हुआ गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। एक तरफ हर पार्टी को तोड़ करके आपने गठबंधन बनाया है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है, और जिसको जहां लड़ना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा दे। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मनोज तिवारी को उठाए, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर। अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली में कांग्रेस के बाकी 2 उम्मीदवार क्या दावे कर रहे हैं। ये पुराने नेता हैं जिन पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट जरूर जीती जाएगी। उसका एक कारण यह भी है कि 2019 के बाद से लगातार मैं क्षेत्र में रहा हूं और क्षेत्र को मैं कभी छोड़ा नहीं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार योगेंद्र चांदौलिया को खड़ा किया है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं, और चूंकि क्षेत्र में जो 5 साल मैंने 14 से 19 तक काम किया है, काम करेंगे नारा दिया है हमने। एक फोन पर काम करता हूँ, एक फोन पर चिट्ठी लिखता हूँ, इलाज कराता हूँ। पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। बहुत सारे ऐसे मसले आए हैं जिसपे बीजेपी नाकामयाब रही है और उनको वोट मांगना बड़ा भारी पड़ेगा इस बार, जिसमें महंगाई भी एक है, बेरोजगारी भी है, व्यापारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। ये आमने सामने की लड़ाई है। एक सरकार का नुमाइंदा है जो बिल्कुल फेल सरकार है, जो अपने वायदों को पूरा करने में नाकामयाब रही है, और दूसरी तरफ हमारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने रखे। उन मुद्दों के साथ हम जाएंगे और 100% जीतेंगे।